हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मर्स फैमिली व्लॉग में। आज का व्लॉग भी मैंने मॉर्निंग से ही शुरू किया है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो पाइप के पास में घास सी जम रही थी वही उखाड़ दी है, क्योंकि यहाँ पर पानी का सारा दिन काम रहता है, यहाँ पे घास जमी जाती है, पाइप के पास में बहुत सारी घास हो जाती है। तो अभी मैं आई थी गोबर पाथने के लिए, उपले बना लेती हूँ, थोड़े से गुल्ले बना दूँगी अंगीठी में जलाने के लिए। गोबर ज़्यादा नहीं चढ़ाते हैं हम, बस एक तसला ही चढ़ाया था, इतना ज़्यादा चढ़ाया नहीं जाता, दो दो जिन्नों में पार करना मुश्किल हो जाता है। तो आज से तो वैसे भी नवरात्र के व्रत शुरू हैं, व्रत में तो वैसे भी दो जिन्ने में चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा ही गोबर चढ़ा लेते हैं जिससे कि ज़्यादा छत पर भी ना फैले और थोड़े थोड़ों को उठा के लगा भी सकते हैं एक जगह, इससे ज़्यादा दूर तक फैलता भी नहीं है और छत भी गंदी नहीं होती है। तो बस थोड़े थोड़े ही पाथ रहे हैं अभी तो हम। कुछ उपलों की तो हमने बलाई भी लगा दी हैं, बलाई बोलते हैं इन्हें, जो कि हमने एक जगह उपले लगा रखे हैं इनको बलाई बोलते हैं, तो वो हमने लगा दी है। देखिए इतनी लंबी हो भी गई है, काफ़ी हो गए हैं उपले, तो अभी थोड़ा थोड़ा करके भी पाथेंगे तो काफ़ी सारे हो जाएंगे। बच्चे भी यहीं पर लगे हुए हैं, जिया को अगर इसको दिख जाए कोई कि उपले बना रहे हैं, इसको भी शौक चढ़ जाता है, ये भी बनाने लगी थी। मैंने कहा तुम छोटे छोटे गुल्ले बना दो, एक दो जितने भी तुमसे बनेंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड भी यहीं पर बैठे हैं धूप में, थोड़ी देर सुबह के टाइम सर्दी सी लगती है, धूप में अच्छा लगता है, इस टाइम ज़्यादा तेज़ नहीं होती सुबह के टाइम। वैसे तो सारे उपले उठा लिए हैं सूखे हुए, यहाँ पर दो चार और हैं, उनको भी पलट दूँगी, उनको धूप लग जाएगी तो वो भी सूख जाएंगे। और बस जल्दी जल्दी ये काम करने के बाद अभी मुझे नीचे भी जाके बहुत सारा काम करना है। आज तो वैसे भी शुरू का नवरात्रा है, बहुत टाइम लग जाएगा पूजा करने में भी, सामान रखने में भी, तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैं बोल रही थी दीदी को इतने में मैं और काम कर लेती हूँ, आप इतने में माता की चौके लगा दो, सारा सामान रख दीजिए, गंगा जल में सारी तस्वीरें साफ करके अच्छे से लगा दीजिए, फिर दोनों पूजा कर लेंगे नहा धो के। दीदी नालियाँ और सारी तस्वीरें हो गंगा जल से साफ कर रही हैं अच्छे से, और माता की चौकी तो अलग से ही लगाते हैं हम, मंदिर से अलग रख लेते हैं पटरे पर, लाल कपड़ा बिछा के काफ़ी अच्छे से, खूब मन लगता है शुरू के दिन, टाइम भी काफ़ी लग जाता है ये सब करने में, छोटा छोटा सा काम होता है और भक्ति का काम करने में बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। अभी इन्होंने सारी तस्वीरें अच्छे से साफ कर ली हैं और अभी इनको रखेंगी पटरे पर अच्छे से लगा के, सारी तस्वीरों को अच्छे से सजाएंगी, माँ का दरबार, माता की चौकी। और देखिए इतना ही बड़ा है हमारा पटरा, ये छोटा रह जाता है, इसके पास में हमें और भी कुछ रखना पड़ता है तब जाके अच्छे से लग पाती है माता की चौकी। और ये चुनरी हम लगा देते हैं दीवार पे, बहुत अच्छी लगती है, हर बार हम ऐसे ही सजाते हैं माता का दरबार, ऐसे ही माता की चौकी लगाते हैं, बहुत मन लगता है। मैं तो पूरे नवरात्र का व्रत करती हूँ, अब की बार थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, मार्केट वार्केट सब बंद हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुछ हम नहीं ला पाए, अब की बार तो सभी के लिए मुश्किलें पैदा हो गई है नवरात्रों में। नहीं तो बता दो तुम लंबाई को थे क्या धरा करते हैं यार, मेरे छोटे से राधा कृष्ण जी, देखिए पित्तल के हैं ये बजाने, छोटे से राधा कृष्ण जी हैं हमारे, हम दो लोटे रखते हैं भर के, दो घड़ बोलते हैं, तो एक प्लेट में हमने रख लिए हैं चावल, हल्दी मिला के इनमें थोड़ी सी हल्दी भी मिलाते हैं, दो गढ़ को खाली नहीं रखते, तो इस वजह से चावल हमने हल्दी मिला कर रख लिए हैं यहाँ पे, इनमें टूटे हुए चावल नहीं है, अच्छे से देख के ही रखे हैं, और इसमें भी डाल दिया है सिक्का धो के अच्छे से, और दूसरे लोटे में भी एक सिक्का डाल दिया है, पहले हमने ये सिक्के अच्छे से साफ़ कर लिए थे धो के गंगा जल में भी, और अभी इन पर कलावे बांध देते हैं एक एक दोनों लोटों पर, उसके बाद नारियल पर भी बांधना है कलावा, तो अभी रख लेते हैं पहले अपनी दो घर तैयार करके। आम के पत्ते मंगा लिए हमने धो के रखे हुए हैं, वो इन पे रखने हैं, ऐसे ही करते हैं हमारे बार, कलसी बोल देते हैं, वैसे कलसी बोलते हैं,
तो इसमें हमने गंगा जल भी डाल लिया है, सिक्के भी डाल लिए हैं, पानी भी डाल लिया है। और इसमें बस अगर आप चाहें हल्दी की गांठ भी डालते हैं, सुपारी भी डालते हैं, पर हमें यहाँ पर नहीं मिली गांव में और मार्केट से लाना भूल गए, तो वैसे भी बहुत कम सामान आ पा रहा है। पूजा पाठ तो अगर हम मन से करें, अच्छे से करें, तो देवी माँ उससे भी खुश हो जाती हैं। ये नहीं है कि अगर हमारे पास ये सामान नहीं है तो देवी माँ हमसे खुश नहीं होंगी, ऐसा नहीं होता। देवी माँ सबसे खुश हो जाती हैं। नारियल पे भी कला बांध दिया है, चुनरी भी बांध दी है, तो अभी बस कलश में रखने हैं हमें आम के पत्ते। कलश भी तैयार हो जाएंगे, बस पूजा ही करनी रह गई है। अभी हम पूजा कर लेंगे फिर आराम से, सारा सामान अच्छे से लगाने के बाद, तस्वीरें लगाने के बाद। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है, तो मेरी वीडियो शुरू हो चुकी है नेक्स्ट डे की। आज दिन है बुधवार, तो बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है। आज पहला नवरात्र भी है, हैप्पी नवरात्र। पूजा तो कर ली है हमने, मम्मी हमारे लिए बना रही है कलाकंद। मम्मी ने यहाँ पे 1.5 किलो चीनी ली थी और उसको चढ़ा लिया था चूल्हे पर। चाशनी पका ली है खूब टाइट। चाशनी बनाने के बाद इसमें मावा डाल लिया है और अभी इसको अच्छे से मिक्स कर रही है और फिर इनको थाली में जमा देगी। कलाकंद ही बनवाते हैं हम ज़्यादातर, हर बार नवरात्रों में कलाकंद काफ़ी दिन तक चल जाते हैं। पेड़े बनाते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, कलाकंद तो हमारे नवरात्रों से बाद तक भी रखे रहते हैं, तो हम कलाकंद ही बनवाते हैं ज़्यादातर। मम्मी अच्छे बनाती हैं कलाकंद, खूब टेस्टी लगते हैं खाने में। तो अभी बस इनको थाली में जमा के रख देंगी। थाली में मैंने नीचे घी लगा के रख लिया है जिससे कि ये चिपकेगा नहीं, उससे आसानी से उतर जाते हैं इसके पीस जब काट के हम इसके पीस उतारते हैं। तो पहले घी लगाना पड़ता है थाली में, वो मैंने रख लिया है लगा के। अभी बस थोड़ी देर इसको चलाना है, अच्छे से चलाने के बाद जब मावा अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही जमाना है। थोड़ा सा मावा रह गया था, मम्मी कहने लगी इसको भी डाल देती हूँ और खाने में टेस्टी लगेंगे, ज़्यादा मावा डालने से ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मम्मी गोला भी डालने के लिए बोल रही थी पर मैंने मना कर दिया कि गोला रहने देते हैं, बिना गोले के ही बना लेते हैं, नहीं तो मिक्सर में पीस के इसमें बारीक बारीक गोला भी डाल लेते हैं, उससे भी अच्छे लगते। पर फिर मैंने भी मना कर दिया, दीदी ने मना कर दिया गोला डालने को। तो अभी बस ये हमने जमा दिए हैं थाली में, देखते हैं कितनी देर लगेगी इनको जमने में। पूजा तो कर ली है हमने दोनों ने। लोगों को भी दिखा देते हैं माता की चौकी हमने कैसे सजाई है। और अभी हमने ज्योत भी जला ली है, पूजा भी कर ली है, सब काम हो गया है। तो आप लोग भी बताना प्लीज़ कमेंट करके कैसा लगा आप लोगों को हमारी माता का दरबार, माता की चौकी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और सभी को एक बार फिर से हैप्पी नवरात्र। किस किस अब की बार वैसे हम सोच रहे थे कि देवी माँ के कपड़े भी मंगाएंगे, बोल रहे थे आप लोग कमेंट करके कि देवी माँ को कपड़े भी पहनाया करो। तो देखिए इस बार तो हम बिल्कुल भी नहीं जा पाए मार्केट में, हालत ही ऐसी हो रही है, क्या करें, मजबूरी है। आप लोग भी मजबूर होंगे आज तो, पता नहीं मेरे काफ़ी फ्रेंड्स के तो व्रत भी छूट गए हैं, हालत ही ऐसी हो रही है, मजबूर हैं, क्या करें। और मुझे भी सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि अब की बार देवी माँ की भक्ति भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। कलाकंद भी जम के सेट हो गए हैं, तो देखिए अभी मम्मी इनको उतार रही है, चाकू से काट लिए हैं पीस। तो ये मैंने अलग रखवा लिए थे देवी माँ को भोग लगाने के लिए, तो ये अलग ही हो जाएंगे, रोज़ भोग लगा दिया करेंगे इनमें से ही।
वो मैंने अलग रख लिया है। इधर मम्मी ने चाशनी भी बना लिया है, चुलाई के लड्डू बनाएंगी। चाशनी मम्मी ने पहले ही रख दी थी बनने के लिए, ज़्यादा टाइट है ना ही ज़्यादा पतली है, ठीक है बीच की। तो अभी चुलाई के लड्डू बांध लेंगे। मम्मी ने चुलाई भी छान लिया है छन्नी में अच्छे से, क्योंकि इसमें किरकल रहती है इस वजह से इसको छानना भी पड़ता है। तो अभी बस इसमें मिला लेंगी चाशनी और फिर लड्डू बना देंगी। मैं भी अपने और कामों में लगी हूँ, मम्मी की हेल्प नहीं करा सकती हूँ, मजबूर हूँ। तो अभी मम्मी को ही बनाने पड़ेंगे अकेले से। अकेले ऐसे कामों में अकेला इंसान थक भी जाता है, पर क्या करे, काम ही काफ़ी फैल रहा है। आज पहला दिन है, पहले दिन आप समझ सकते हैं कितना काम फैलता है। तो ये पानी लिया है मम्मी ने हाथ पे लगाने के लिए, लड्डू ऐसे आसानी से बंध जाते हैं, फिर चुलाई नहीं चिपकती है हाथों पे। वैसे हम नवरात्रों में कलाकंद और चुलाई के लड्डू ही बनवाते हैं, यही अच्छे होते हैं। और फल वगैरह तो कुछ नहीं आएंगे, फल तो दीदी खा लेती हैं, मैं तो बहुत कम खाती हूँ फल, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा फल फ्रूट, मैं तो ऐसे ही रह लेती हूँ चुलाई और कलाकंद के साथ में ही। और अब की बार तो वैसे भी बाहर से कुछ भी मंगवाना अलाउ नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही है, तो इससे अच्छा तो अपने घर में जो चीज़ है उसे ही खा लें। बाकी हम अभी कुछ नहीं ला रहे हैं बाहर से, बिल्कुल बंद है, बच्चों का भी बाहर जाना बंद है, ना ही हम इनको दुकान पे जाने दे रहे हैं, कोई भी चीज़ नहीं लेके आने दे रहे हैं बाहर से। सावधानी तो पूरी रख रहे हैं, पता नहीं और सब कुछ देर माँ के हाथ में है। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी सब कुछ पहले जैसा हो जाए नॉर्मल, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सब लोग, बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ये बीमारी जल्दी से जल्दी चली जाए हमारे देश से। जी राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो पहले मैं ले लेती हूँ नाम, फिर भूल जाती हूँ। पूनम, ममता बारस्कर और जैसलीन, छोटी सी बेबी है, तो भगवान करे आप हंसती खेलती रहें। और छोटी सी गुड़िया है प्यारी सी, वो हमेशा स्वस्थ रहें। तो आप लोग बोली थी कि हमारी छोटी सी गुड़िया का भी नाम लीजिए, तो मैंने उनका भी नाम ले दिया है जैसलीन। तो अभी वीडियो कमेंट कर लेते हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।